बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। दोनों के अफेयर की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट जगत तक फैली हुई है। बीते दिनों दोनों को एक साथ डिनर करते स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरों ने तेजी पकड़ ली है। हालांकि दोनों ने अब तक इस बात पर चुप्पी साध रखी है। आए दिन दोनों इस बात से पल्ला झाड़ते जरूर नजर आते हैं। यहां तक कि अब दोनों की सगाई की खबरें भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच अब राघव चड्ढा के एक बयान ने दोनों की सगाई की खबरों पर पक्की मोहर लगा दी है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा से कई बार दोनों के रिश्ते को लेकर बात की गई, लेकिन दोनों इस बात को शायद निजी रखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने इन अफवाहों को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। वहीं अब हाल ही में जब राघव चड्ढा से परिणीति संग रिश्ते को लेकर सवाल किए गए, तो हमेशा की तरह उन्होंने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में राघव ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज जश्न मनाइए कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। इसके बाद और भी कई जश्न मनाने के मौके आएंगे। दरअसल राघव चड्ढा के इस बात ने भले ही कुछ साफ न किया हो, लेकिन लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि वह परिणीति और अपने सगाई के जश्न की बात कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि उनके इस बयान ने दोनों के अफेयर की खबरों को एक बार फिर हवा दे दी है। रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही अपनी सगाई का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि राघव चड्ढा और परिणीति क्लासमेट रह चुके हैं। दोनों ने लंदन में एक साथ पढ़ाई की है। बीते दिनों दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही दोनों के रिश्ते की खबरों ने तूल पकड़ा है। इसके साथ सोशल मीडिया पर कई बड़े सेलेब्स और नेता दोनों को बधाई दे चुके हैं, जिसके अनुसार दोनों का रिश्ता तय माना जा रहा है। अब ऐसे में दोनों के फैंस बेसब्री से दोनों की सगाई के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल से निधि जैन की रिपोर्ट।